बिहार के सीवान जिले के लिए शुक्रवार 22 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन से कम नहीं था, क्योंकि इसी दिन हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के दूसरे बेटे कौशल किशोर आर्य के साथ जिले की एक साधारण परिवार की लड़की कुमारी रेणु शादी के सात बंधनों में बंधी। बताया जाता है कि ये शादी जिले की एक ऐतिहासिक व शाही शादी थी। बता दें कि नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा से 8 बार विधायक रह चुके दलित वर्ग के सबसे दिग्गज नेता सत्यदेव नारायण आर्य बिहार सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में हरियाणा में राज्यपाल की कमान संभाल रहे हैं। एस एन आर्य के दूसरे बेटे कौशल किशोर आर्य पटना हाईकोर्ट में वकील हैं, जिनकी शादी शुक्रवार को जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के जामो बाजार के एक साधारण परिवार सह बीडीसी सदस्य प्रभु राम की पुत्री कुमारी रेणु के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। कुमारी रेणु वर्तमान में ग्वालियर में इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात हैं। बता दें कि अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए एस एन आर्य शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पटना से निकलकर जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीवान पहुंचे, जहां उनका स्वागत जिलाधिकारी सुश्री रंजिता और एसपी नवीन चंद झा ने किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस लाया गया, जहां कुछ देर विश्राम कर अपने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जामो बाजार के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात्रि जैसे ही बारात जामो पहुंची, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात के दरवाजे पर पहुंचते ही लड़की की मां ने गुलदस्ता देकर राज्यपाल को शादी की शुभकामनाएं दी और फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद धूमधाम से शादी की सभी रस्में पूरी हुई। इस शाही शादी का नज़ारा देखने के लिए संध्या से ही लोग की भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी थी कि प्रशासन को कंट्रोल करने में पसीने छूट रहे थे। इधर शादी को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। शादी को लेकर पूरे जामो बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। निरीक्षण के लिए तैयार है।